Bismillahir Rahmanir Rahim. In the last lecture, we have discussed about reproductive behavior of organisms. हमने anisogamy और mate choice के हवाले से बात कर रहे थे. Anisogamy में हमने discuss किया that there are two types of gametes and different contribution from males and as well as females. फिर mate choice में sexual selection में कुछ points discuss किए हमने कि एक तो sexual ratios differ कर रही होंगी. जिस organism की ratio कम होती है, चाहे वो male हो या female, किसी भी group के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल्स में, तो वो सिलेक्शन का रोल प्ले करेगा, वो सिलेक्ट करेगा. फिर मेल और फीमेल्स अपना सेक्सुअल आउटपुट मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडैप्ट करते हैं ड्यूरिंग सिलेक्शन. एक मेट को चूज करने के लिए डिफरेंट करेक्टर्स को देखा जाता है. और एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा पेयर कपुलेशन दे मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन सम केसेस. और मेट चॉइस रिसोर्स प्रोविजन फूड रिसोर्स से रिलेटेड भी है. ये भी हमने एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था जिसमें हमने ये एग्जांपल डिस्कस की बर्ड्स की, स्पाइडर्स की और कुछ नुपचुअल गिफ्ट्स की जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मेटिंग के लिए दे रहा होता है. टुडे वी आर गोइंग टू हैव सम डिस्कशन अबाउट द पॉइंट द ट्रेट्स मे ऑल्सो कम्युनिकेट विद अ मटेरियल बेनिफिट और दे मे ऑल्सो कम्युनिकेट अदर देन अ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास अमेरिकन गोल्ड फिंच जो राइट साइड पे पिक्चर्स में बनी हुई नजर आ रही है. दिस ब्यूटीफुल फिंचेस दे आर सो ब्राइट इन देयर कलर. इनकी प्लमेज बड़ी ब्राइटली कलर्ड होती है. और ये भी देखा गया कि फीमेल जो फिंचेस हैं, स्पैरोज हैं, वो उन्हीं मेल्स को सिलेक्ट करती हैं जो ज्यादा ब्राइट कलरेशन शो करते हैं, जो स्ट्राइकिंगली कलर्ड होते हैं. जिनकी प्लमेज ज्यादा ब्राइटली कलर्ड होगी वही सिलेक्ट किया जाएगा. तो इसमें ये देखा गया क्या सिर्फ इनकी अपीयरेंस ही इसमें मैटर कर रही होती है, इसकी कोई की causes या other root causes भी हैं जिस बेस पे इनकी सिलेक्शन नेचर ने फेवर की है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल ये हम देख लेते हैं आगे इसका आंसर. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड. इजिप्शियन ये जो वुल्चर है इसमें भी इनकी जो ऑरेंज कलर बीक आपको नजर आ रही है इस बेस पे इनकी जो है वो सेक्सुअल मेट की सिलेक्शन होती है कि ये जितनी ज्यादा ब्राइटली कलर्ड बीक होगी फीमेल्स दिल प्रेफर सच मेल्स फॉर मीटिंग. तो ये भी इनकी मीटिंग में रोल प्ले करती है. हालांकि ये जो हमारे पास विल्चर है इजिप्शियन विल्चर ये एनिमल की फीसिस पे फीड कर रहे होते हैं, अंगुलेट की फीसिस पे. फीसिस आमतौर पे जो है पुअर फूड सोर्स होते हैं इन एनिमल्स के लिए. दे आर लो इन बोथ प्रोटीन एज वेल एज इन फैट्स. लेकिन जाहिर है विल्चर इस पे फीड करें तो उसका कोई रीजन या कोई कॉज तो होगी जिस बेस पे वो इन्होंने ये फूड अपना जो है प्रेफर किया है या चूज किया है. तो जब रूट कॉजेज देखी गई, रूट कॉजेज सॉर्ट आउट की गई कि जो ब्राइट कलर्ड फिंचेस एंड गोल्डन फिंचेस या ब्राइट कलर्ड ये जो बीक है इस बेस पे इनके सिलेक्शन हो रही है. तो ये बात सामने है कि दरअसल इंटरेस्टिंगली इन एडिशन टू हैविंग अनयूजुअल डाइटरी हैबिट, ये जो इनकी पहले बात कर लेते हैं कि वुल्चर्स इजिप्शियन वुल्चर्स अनयूजुअल डाइटरी हैबिट के साथ साथ इजिप्शियन वुल्चर्स दे आर ऑल्सो अनयूजुअल अमंग सिमिलर स्पीशीज इन दैट दे हैव अ विविड येलो फेस. And this coloration is the result of lutein, a pigment deposited in their skin, and it has been suggested, but not yet confirmed, that this clear patch of color could have a signal function related to their mate choice as well. Orange ye jo bright yellow colored proportion nazar aa raha hai. In the same way that the yellow feathers of the American goldfinches do, they may be the attractive choice for the a female of that same of the same species. जब इसकी रीजन सॉर्ट आउट की गई, ऐसे ही गोल्डन फिंचेस की एग्जांपल है बेटा कि गोल्डन फिंचेस में भी जो ब्राइटली कलर्ड प्लमेज है उनको प्रेफर किया जाता है, वो ज्यादा इजीली जो है वो सिलेक्ट होती है. उसकी रीजन सॉर्ट आउट की गई तो ये दो साइंटिस्ट का हवाला आता है. एक है ये जॉफ्रे हिल एंड सेकेंड इज केवन मैग्रा. इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ रिसर्च के बाद ये बात या ये रीजन दी कि एक्चुअली दो तरह के बर्ड्स होते हैं, वो जिन पे पैरासिटिक अटैक है और पैरासिटिक फ्री. जब इन्होंने उनके ग्रुप्स को पैरासिटिक और पैरासिटिक फ्री बर्ड्स को ऑब्जर्व किया तो पता चला जो ब्राइटली कलर्ड प्लमेज वाले बर्ड्स हैं वो पैरासिटिक फ्री थे यूजुअली या उनकी हेल्थ बेहतर थी, जबकि जो दूसरे थे जिनकी कलरेशन थोड़ी लेस ब्राइट थी उनमें यूजुअली एंडोपैरासाइट आइसोस्पोरा एक प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं बेटा, कोक्सीडियन पैरासाइट्स, उनकी इंफेक्शन जो है वो देखी गई. सिमिलर वर्क इन्वॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैज कंफर्म दैट जनरल ऑब्जर्वेशन दैट प्लमेज ब्राइटनेस
कम्युनिकेट समथिंग अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द एनिमल, कि अगर उसका प्लमेज ब्राइट है तो उसका हेल्थ स्टेटस बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स. दिस वुड बी एन एडवांटेज फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कि एक हेल्दी मेल्स को चूज करते हैं हेल्दी जीन्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं. फिर अगर हेल्दी मेल है तो वो फूड प्रोविजन को भी बेटर बना सकता है एज कम्पेयर टू एन हेल्दी मेल. दैट्स व्हाई जो पेयरिंग होती है बर्ड्स के अंदर वो प्लमेज ब्राइटनेस की वजह से हो सकती है. लेकिन ये अपनी प्लमेज को ब्राइट कैसे करते हैं, इसका भी एक लिंक है. दैट लिंक इज विद कैरोटीनाइड्स. कैरोटीनाइड्स और हेल्थ का कुछ लिंक है आपस में. कैरोटीनाइड बेसिकली एक लिपिड की कैटेगरी है, टर्पिनॉइड्स से बिलोंग करते हैं, यानी स्टीरॉइड टाइप की जो नेचर है. और इनके बारे में देखा गया दे मे बी हेल्पफुल इन बूस्टिंग इम्यून सिस्टम. दैट इज दे प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हार्मफुल फ्री रेडिकल्स दैट इफ लेफ्ट अनचेक्ड वुड डैमेज डीएनए. तो ये बेसिकली हेल्थ कंडीशन को या इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं. या आइसोस्पोरा शोन है जो इन्फेक्शन की बात की गई यहाँ पे. कैरेटिनाइड्स आल्सो स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी सेल्स. ये बी और टी लिम्फोसाइट, ये कि हमारे पास एंटी पैथोजन स्ट्रेटेजी है बॉडी की, इम्यून सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स हैं. टी सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, डायरेक्ट जो किलिंग करते हैं. और बी लिम्फोसाइट थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा क्लोन सेल्स और एंटीबॉडीज, इनका रिस्पॉन्स भी आप पढ़ चुके हैं कि इम्यून सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के तौर पे काम करते हैं. इसके अलावा ये कुछ साइटोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरलीक्वेंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरी टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स या मैक्रोफेजेस वगैरह को भी एक्टिवेट कर सकते हैं. इट मींस कैरोटीनाइड्स अगर फूड के तौर पे यूज हो रहे हैं तो उनकी हेल्थ कंडीशन बेहतर होगी. इट हैज बीन सजेस्टेड बाय हैमिल्टन एंड जर्क, इनका हाइपोथेसिस भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, दैट एलैबोरेट एंड ब्राइटली कलर्ड प्लमेज मे हैव इवॉल्वड इन बर्ड्स as a means by which males might advertise their healthy status to the females. कि वो healthy हैं, तो bright colored plumage उनकी health signal के तौर पे females तक पहुंचे. Carotenoids, it would appear, could go some way towards strengthening their theory. A sickly male probably needs to use the carotenoids it obtains from its diet to fight the infection that it comes to. दरअसल इनके ब्राइट कलरेशन वो भी कैरोटीनाइड्स की वजह से है. अगर कोई मेल ऑलरेडी सिक है तो अपने कैरोटीनाइड्स को प्लमेज में डिपॉजिट करने के बजाय फाइटिंग के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज कर रहा है. लेकिन अगर कोई हेल्दी मेल है तो उसको अपने कैरोटीनाइड्स इम्यून सिस्टम में यूज करने के बजाय उसके पास चांस होगा कि वो अपनी प्लमेज में डिपॉजिट कर सके. इट मीन्स जो हेल्थी बेटर हेल्थ वाले मेल्स होंगे उनकी प्लमेज ज्यादा ब्राइट होगी. Or that brightness is related to the deposition of carotenoids in their plumage. ये इनका hypothesis क्या कहता है? In species subject to parasitic infection, individuals that can signal their relatively parasite-free state should be desirable males. कि जिनकी plumage bright है, जिनकी जो signaling healthy status की बेहतर है, वो preferable males होने चाहिए for mating purpose. They further argued that only high quality parasite free males would be able to produce costly bright plumage displays. This would lead to plumage coloration being an honest signal for the males of the males ability to resist parasitic infections. Ke better agar carotenoids ka level hai to infection ki identification bhi better hogi. Fir aapne evolution ka jo subject padha tha last syllabus mein, last semester ke andar, उसमें आपने फिशर और ज़िहाबी थ्योरीज डिस्कस की थी. फिशर ने क्या प्रपोज किया था? दैट फीमेल्स माइट चूज मेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस ओनली. सिर्फ अट्रैक्टिवनेस, चाहे वो बेनिफिशियल है या नहीं, बस ब्यूटीफुल कलरेशन की बेस पे भी ऐसी सिलेक्शन हो जाती है. और उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ये पीकॉक की एक लॉन्ग टेल की, कि लॉन्ग टेल हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट मे रिजल्ट इन एन एनिमल विच इज हैंडीकैप टू प्रॉपर फ्लाइट, जो ज्यादा फ्लाइट नहीं कर सकता, कि लॉन्गर टेल जो है वो हेल्पफुल नहीं होंगी. सो चूजिंग ट्रेट्स फॉर देयर ओन अट्रैक्टिवनेस इज वन ऑफ द फीचर. ये भी मेट चॉइस में एक हमारे पास एग्जाम्पल है. सो इन और एग्जाम्पल, बिकॉज शी चूजेज अ लॉन्ग टेल्ड मेल, अ फीमेल सन्स विल इनहेरिट देयर फादर्स लॉन्ग टेल. इसको हमने एक और नाम दिया था. फॉर दिस रीजन फिशर्स हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज सेक्सी सन्स हाइपोथेसिस. ये हमने लास्ट सेमेस्टर में भी डिस्कशन की थी फिशर्स थ्योरीज के हवाले से.
बल्कि कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट भी किया था इसको. चूजिंग ट्रेट्स फॉर देयर ओन अट्रैक्टिवनेस बिकॉज ऑफ द कोवेरियंस बिटवीन द ट्रेट एंड अ प्रेफरेंस फॉर इट एनी डॉटर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विल हैव इनहेरिटेड देयर मदर्स प्रेफरेंस सो दे टू विल बेनिफिट बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू लॉन्ग टेल्ड मेल्स. तो ये टेल की लेंथ भी एक हमारे पास अट्रैक्टिवनेस की बेस है, लेकिन ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता. बींग चूजी मे नॉट ऑलवेज पे ऑफ. देयर आर टाइम्स व्हेन इट मे नॉट पे एन इंडिविजुअल टू बी चूजी व्हेन सिलेक्टिंग अ मेट. ये कॉकरोचेस की एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की गई है. इन केस ऑफ सर्टन कॉकरोचेस फीमेल्स दैट वर द रिसर्चर्स फाउंड दैट फीमेल्स दैट मेटेड फर्स्ट जस्ट 6 days आफ्टर दे हैड अटेन्ड सेक्सुअल मेच्योरिटी एट अबाउट 100 डेज ओल्ड produced on average 32 young in their first litter. Litter कहते हैं first जो उन्होंने reproduction के बाद first litter size produced किया. And on the average 80 young during their 200 day lifespan. Females that were not allowed to mate until 18 days after they had matured had far lower success, producing just 24. मतलब ये है कि जैसे जैसे उनकी maturation की age बढ़ती जाती है, फिर वो selection को रफ बना देते हैं. यानी कोई भी मेल मेट जो उनको कॉकरोचेस को मिलता है उसके साथ मेट करके वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे. तो जस्ट मैच्योरेशन के बाद उनके अंदर सिलेक्शन के लिए टाइम होता है, वो बेटर मेल को सिलेक्ट करेंगे और बेटर जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, लिटर साइज ग्रेटर होगा. बट अगर उसको मैच्योरेशन के बाद मेटिंग को उसकी इनहिबिट किया जाए, उसको मेट ना करने दिया जाए, तो प्रॉबेबली उसकी जो फर्टिलिटी का लेवल है विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग के साथ साथ वो कम हो जाता है और उसकी मोटिवेशन टू ब्रीड वो भी प्रॉबेबली रिड्यूस हो जाएगी. तो उसमें उनकी सिलेक्शन जो है फिर वो किसी भी जो है वो मेल के साथ मेट करना ये हमेशा उनको पे ऑफ नहीं कर रही होती. दैट्स वाई तो मेट चॉइस में हमने आज डिस्कस किया कि ये हमेशा बेनिफिशियल भी होना जरूरी नहीं है. फिर ये फिशर हाइपोथेसिस में कि जस्ट अट्रैक्टिवनेस की बेस पे, और हमने प्लमिस और प्लमिस के साथ साथ बीक की बात की कि इसमें कैरोटीनाइड्स का डिपॉजिट होना उनके बेटर हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है.